हेलो रिवन। तो आज हम लोग हमारे क्लास 12 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सर्वन प्लांट। अब जो हमारा नया एनसीईआरटी आ गया है उसमें जो है ये चैप्टर नंबर 1 भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी चैप्टर नंबर 1 भी हो गया है क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है चैप्टर, वो हमारा कहीं कहीं से हट गया है। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर 1 हो गया तो हम इस पे ही ध्यान देते हैं। इस पर चैप्टर 2 लिखा हुआ है, उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसमें कुछ रटने वटने वाला चीज नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं आज यहाँ पे। और मैं सारी चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी से ही कवर करूंगा और जो भी चीज एक्स्ट्रा लगेगा मैं उसे उसको बताते चलूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और इससे आपका जो चैप्टर है वो धीरे 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 करके क्लियर हो जाएगा। ये वन शॉट चैप्टर नहीं है, इसके और भी पार्ट आएंगे ताकि हम जो हमारा सिलेबस है उसको आराम से कवर कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ऐसा नहीं स्लो रहेगा, फास्ट रहेगा। तो इसको चैप्टर वीडियो में बने रहिएगा, इसको हम लोग धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और कॉन्सेप्ट अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर क्या है, और फ्लावर के बाद हम लोग जो हमारा जो मेल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पोलन हो गया, स्टेमन हो गया, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हमारा एनसीईआरटी का लेना जाता है यहाँ पे पैराग्राफ ये कि इसमें इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो मतलब जो जैसे एक फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो हमारा फ्लावर है, जो हम लोग बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स देखते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे फ्लावर्स होते हैं, मान लीजिए ये फ्लावर है। ठीक है, तो उस फ्लावर्स के कई कलर होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा उसका खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस होता है। तो वो बोल रहा है क्या हम लोग लकी नहीं है कि हम के जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फ्लावर है, जो हमारा फ्रूट्स है, वो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट का, उसका ही एंड रिजल्ट है ना, जो फ्लावर है, जो फ्रूट्स है। तो क्योंकि अब फ्लावर जो प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके कारण हमको इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स कलर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इतने ब्यूटीफुल और इतने इतने अमेजिंग हमको फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं लकी है कि जो प्लांट्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारा फ्लावर, जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर बहुत सारी चीज में यूज होता है, जैसे हमारे ऑर्नामेंटल्स में, कभी कभी मेडिसिन में, कभी हमारा जो रिलीजियस पर्पस है भगवान को चढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। हमको उसको देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जब भी हम खुश होते हैं हम किसी को फ्लावर देते हैं, या कभी कोई दुख होता है तो हम उसको फ्लावर देते हैं, है ना। तो वो यही बताना चाह रहा है कि फ्लावर्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा जो जो एग्जाम में वाला जो पॉइंट है, एग्जाम में जो आ सकता है, वो मैं यहाँ पे एक लाइन इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो वो कौन सा पार्ट है जो मेरे को लगा कि एग्जाम में आ सकता है, वो ये है कि यहाँ पे कहाँ गया शुरू। हाँ, जैसे कि यहाँ से पढ़ेंगे, जब अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लावर प्लांट्स शोइंग अस अमेजिंग रेंज एंड एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ प्लांट में, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जब भी कभी क्वेश्चन है पूछे कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स है। ठीक है, सीड्स बनना भी जरूरी है ताकि वो अपना लाइफ को कंटिन्यू कर सके और उसको स्प्रेड करके अपना लाइफ कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखेगा कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, वो एंड प्रोडक्ट क्या है, वो एंड प्रोडक्ट फ्रूट है। फ्लावर टिक मत कर देना, फ्रूट फ्रूट है प्लस सीड्स। अगर फ्रूट्स और सीड्स दोनों दिया है तो मान लीजिए ए ए ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है, तो ए एंड बी ऑप्शन बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से ये वाला जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस बात को वैसे भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में, उसका जो एंड रिजल्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है, वो फ्रूट्स और सीड्स है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद आगे तो यही बोला है कि हम इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म के बारे में, ना एंजियोस्पर्म के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, वो फ्लावर्स के बारे में, अब फ्लावर के बारे में पढ़ा जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है ना, इसका करेक्टरिस्टिक ही यही है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, उसको जाना इसलिए जाता है कि ये फ्लावर करता है वो। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो
फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, जो मैं बता रहा था अभी कि फ्लावर का हमारा क्या क्या यूज होता है, जैसे कि हमारा एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू है प्लांट का, और हम उसको बहुत सारे फीलिंग्स को कन्वे करने में यूज करते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग बातें हैं। आगे इसको अगर देखा जाए तो जो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी एक बार पॉइंट नंबर टू कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। कोई अगर कभी क्वेश्चन में कहीं दिख जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो बात सीधी सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट कहाँ पे है, वो हमारा फ्लावर ही है ना। क्योंकि फ्लावर में ही तो हमारे सेक्सुअल, हमारे जो फ्लावर के जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स हैं, मेल मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गेन, वो कहाँ पे होते हैं प्लांट में, फ्लावर में, फ्लावर में होते हैं। तो फ्लावर ही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है ना, और वहीं पे फ्रूट बनना है बाद में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके आगे है कि ये फिगर का बात कर रहा है, कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो इसमें देख लेते हैं, पहले फिगर को देख लेते हैं एक बार। देखिए फिगर को जब देखेंगे हम इसके, तो देखिए सीधे से बात है, इसका मेरे को लगता है अच्छे से दिख रहा होगा ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ, नहीं यहाँ पे, हाँ ना। देखिए क्या है, फ्लावर है हमारा, देखिए फ्लावर में सबसे पहले हमारा है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा पिस्टिल, ठीक है। ये हमारा पिस्टल हो गया। अब पिस्टल के बाद हमारा क्या आता जाता है, हमारा आ जाता है एंथर, जो कि हमारा ऐसे होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे दो ही एंथर बना रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा पेटल। पेटल से पहले भी एक चीज आ जाता है हमारा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है आपस में, और इसके बाद यहाँ से हमारा आ जाता है ये हो गया हमारा, बन गया हमारा फ्लावर, ठीक है। अब देखिए अब इसका अलग अलग नाम दे देते हैं हम, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है, ये देखिए पहले ये तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसको हम पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या है, ये है हमारा स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये वाला जो पार्ट है ये हम क्या है हमारा, ये है हमारा ओवरी, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा एंथर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फिलामेंट, और ये दोनों मिलके हमारा क्या हो गया, ये दोनों मिलके हमारा हो गया स्टेमन। स्टेमन हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ये क्या है, ये हो गया हमारा पेटल। पेटल मतलब, पेटल मतलब फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है ना, जो जो कलर एक्चुअली कलरफुल होता है वो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेपल। ये सब चीज कहाँ पे पढ़ते हैं हम, जो हमारा मॉर्फोलॉजी इन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि तो क्लास 11 का चैप्टर है, जो कि जब मैं पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में जहाँ तक, फिर उस चैप्टर में ये है, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और ये हो गया हमारा थैलेमस, जो हमारा एंथर होता है ना, वो इसी से कनेक्टेड होता है थैलेमस से, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग इसको भी ध्यान देंगे, एंथर प्लस फिलामेंट क्या हो गया, क्या बना, स्टेमन बन गया। और जो हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये मिलकर क्या बनाया, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना। इन्हीं दोनों के बारे में हमको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, और फिर फ्लावर का उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो ये हो गया, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लिए सब चीज, अब देखिए अब यहाँ से क्या बोल रहा है,
टॉपिक नंबर 2.2 क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या चीज हो रहा है, उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या चीज होगा, तुम आप खुद सोचो, फर्टिलाइजेशन जब होना है किसी चैप्टर में, किसी प्लानिंग पॉइंट में, उसके पहले क्या होगा। सबसे सिंपल से बात है कि फर्टिलाइजेशन से पहले एक चीज होगा, वो है डिसीजन। डिसीजन किस चीज का, फ्लावर जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इस बात का डिसीजन लेगा कि हाँ अब मेरे को फर्टिलाइजेशन करना है या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होना है या फर्टिलाइजेशन होता है, उससे पहले उसका डिसीजन तय होगा। ठीक है, कि हाँ अब हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन ऑफ दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब जब एक फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर करना है, फ्लावर बनाना है, तो उससे पहले उसका डिसीजन होगा कि हाँ भाई अब मेरे को फ्लावर बनाना है ना। तो उस डिसीजन मतलब क्या होगा, क्या डिसीजन होना चाह रहा है यहाँ पे, तो लिखा चाह रहा है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोर्डियम। ठीक है, क्या होगा, जब हमारा डिसीजन होगा इस चीज का कि हमको फ्लावर करना है, तो उससे क्या होगा, सेवरल हार्मोनल प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे फ्लावरिंग प्लांट में। क्या होगा, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा जो कि हमारा फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे अल्टीमेटली होगा ये कि जो हमारा फ्लावरिंग प्रीमोडियम है, फ्लावरिंग प्रीमोडियम मतलब जहाँ पे फ्लावर होगा, जैसे कि हम फ्लावर देखते हैं कैसे, मान लीजिए एक प्लांट है तो उसका फ्लावर कैसे होता है, मान लीजिए ये एक फ्लावर निकल गया यहाँ पे, दूसरा फ्लावर ऐसे निकल गया, ठीक है, तीसरा फ्लावर ऐसे निकल गया, तो ये क्या होगा, ये एक तरह का इंफ्लोरेसेंस बन गया है ना। तो फ्लावरिंग प्रीमोडियम बनेगा, एक ढांचा बनेगा जहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट होना है। और ये चीज कैसे हुआ, क्योंकि जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए प्लांट में जब वो डिसीजन लिया कि उसको फ्लावर करना है, उससे हुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा ये चीज कि मान लो टफ क्वेश्चन आता है तब ऐसा चीज आ जाता है जिसमें पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नाउ यहाँ पे लिखा है कि इन्फ्लोरेंस आर फॉर्मेड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। ठीक है, जैसे मैं बताया यहाँ पे कि जो हमारा हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ उससे फ्लावरिंग बड बना, सॉरी इन्फ्लोरेंस बना जिसमें फ्लावरिंग बड आए और वहां से फ्लावर बनेगा। ठीक है, इसी को फ्लावरिंग प्रीमोडियम बोलेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्री मतलब पहले, और मोडियम मतलब उसका जो ढांचा बनेगा वो। इन द फ्लावर दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंट्रोसियम एंड गायनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। ठीक है, ये सब को तो हो गया, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब इतना तो मैं इस लगभग सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना ये है कि जो हमारा फीमेल है, फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, गायनोशियम, और मेल वाले को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, फीमेल वाले को गायनोशियम, मेल वाले को एंड्रोशियम। क्या है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका नाम है, फीमेल वाले को गायनोशियम और मेल वाले को एंड्रोशियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, यहाँ से चालू होता है मेन टॉपिक जो है हमारा स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हम यहाँ से इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो फ्लावर है हमारा, फ्लावर का जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, एक फ्लावर में क्या होता है, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा देखा है यहाँ पे फ्लावर के बारे में, इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या था, हमारा ये का पूरा था स्टेमन, ये जो हमारा स्टेमन है यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे, हमारा आएगा यहाँ पे स्टेमन। ठीक है, स्टेमन ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके बारे में ही हमको डिटेल में पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैं जो जो चीज बता रहा हूँ यही चीज इंसेंटिव में लिखा हुआ है और एग्जाम में भी यही आएगा, तो अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए स्टेमन, अब स्टेमन जो है कैसे, क्या है स्टेमन, देखिए ऐसा स्टेमन होता है, ये बाइलोब होता है ऐसे, और इससे ना ऐसे करके एक सिलेंडर ये निकला होता है जो कि इसका फिलामेंट है,
और ये वाला जो पार्ट है ये थैलेमस से आखिरी में जुड़ा होता है, ठीक है, कभी कभी पेटल से जुड़ा होता है। तो देखिए जो स्टेमन है, ये स्टेमन हमारा किस चीज से बन के मिला होता है, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, स्टेमन, ठीक है। अभी किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा मिलकर बना हुआ है एंथर से, एंथर प्लस ये एंथर हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एंथर है, एंथर प्लस क्या, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये लॉन्ग कैसा होता है, ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। और जो हमारा एंथर होता है, ये हमारा एंथर कैसा होता है, ये हमारा बाइलोब होता है। बाइलोब सब में नहीं होता, जो टिपिकल मतलब ज्यादातर ज्यादातर जो हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें बाइलोब पाया जाता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, ठीक है। बाइलोब मतलब, बाइलोब मतलब होता है इसके दो लोब है, मतलब ये एक लोब ऐसे हो गया, फिर एक लोब इसका ऐसे हो गया, इसको अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो एक लोब ऐसे एक लोब ऐसे, है ना, दोनों दोनों को आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो इसको ये हमारा बाइलोब एंथर हो गया। अब ये इसके बारे में और अच्छा डिटेल में पढ़ना है, ये और कैसे होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, सॉरी जूम करते नहीं, इसको पहले काट देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसको पहले बीच से ऐसे काट दिए, और बीच से काटने को क्या बोलते हैं, टीएस, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको बीच से काट देंगे, बीच से काटेंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब बीच से काट देते हैं तो कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे, ठीक है। इसको बीच से मान ली, ये एंथर है, तो एंथर को बीच से काट दिए, और उसको बीच से फिर ऐसे ऊपर से दिखे तो वो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये। अब ये क्या है, देखिए बाइलोब है बोला था ना मैं, ये एक लोब हो गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो बीच में है ये क्या है, ये जो साइड में है ये क्या है, ये जो बीच में है इस बीच में ये क्या है, इधर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बीच में है जिससे दोनों के दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हो सकता है पूछ ले, ठीक है, हो सकता है पूछ ले कि जो दो आपस में अंतर, जो बाइलोब है वो किससे आपस में जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़ा हुआ है। इन ये जो ये पार्ट है जो कॉर्नर में है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक चीज जान लेते हैं कि जो हमारा एंथस होता है, जो हमारा जो एंथर होता है, वो हमारा एंथर क्या होता है, वो हमारा थीकस होता है, ठीक है। थीका थीका मतलब क्या होता है, जैसे ये जो है ये बीच में ये थीका है, ठीक है, ये थीका है, तो थीका थीका मतलब क्या होता है, थीका मतलब होता है कैविटी, ठीक है। तो हमारा जो एंथस होता है वो डाइथीकस होता है, डाइथीकस मतलब दो थीका, दो थीका किसमें, एक लोब में, एक लोब में दो थीका, इसलिए जो हमारा एंथर होता है उस एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एंथर डाइथीकस एंथर है, ठीक है। डाइथीकस मतलब दो दो थीका है उसमें कैविटी, जिसमें जैसे पॉलीनियर भरने वाला बाद में, ये चीज अभी समझ आ जाएगा जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि अभी पढ़ते हैं। देखो यहाँ से पहले पहले इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ तक पढ़ लिए, जो थीका बोला था ना मैं, थीका देखो, थीका है यहाँ पे, इसके ये खाली जगह है कैविटी जिसके अंदर पॉलीनियर भरा हुआ है, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ये जो बता दिया है सब चीज। हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इफ यू वेयर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, वो सब बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारा कोई फ्लावर है, ठीक है, जैसे ही हमारा फ्लावर है, अब फ्लावर में हमारा कितने स्टेमेन है, ये हमारा कितने स्टेमेन है, और स्टेमेन का जो लेंथ है, जो फिलामेंट का जो लेंथ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नंबर ऑफ स्टेमेन प्लस, नंबर ऑफ स्टेमेन प्लस लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, ठीक है। हमारा जो स्टेमेन है, एक फ्लावर में कितने स्टेमेन होंगे, जब हम हिबिस्कस का फ्लावर देखते हैं, हिबिस्कस का, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेमेन होते हैं, बहुत सारे, है ना। कई कई तो फ्लावर हम देखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक स्टेमेन होगा, कई कई तो फ्लावर हम देखेंगे उसके अंदर सिर्फ दो स्टेमेन होगा गिन के। तो जो स्टेमन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो नंबर है, और जो उसके जो उसके जो फिलामेंट है, उसका जो फिलामेंट है, ये मान लीजिए ऐसा है, तो उसका जो फिलामेंट है, इसका जो लेंथ का साइज है, वो
स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज का फ्लावर है, ठीक है। उस फ्लावर के स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि उस पर कितने स्टेमेन होंगे और स्टेमेन का जो जो फिलामेंट होगा उसका लेंथ कितना होगा। किसी किसी स्टेमेन का किसी किसी फ्लावरिंग प्लांट के स्पीशीज का जो फिलामेंट का जो लेंथ है वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि छोटा सा होगा। फ्लावर छोटा है, स्टेमेन भी छोटा होगा। फ्लावर बड़ा है, स्टेमेन का जो लेंथ है वो भी बड़ा होगा। तो वो स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ स्टेमेन एंड लेंथ ऑफ द फिलामेंट डिपेंड अपॉन द स्पीशीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एंथैटिक क्या बोल रहा है। देखिए यही चीज मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि ये हमारा बाइलोब होता है ना, दो लोब होते हैं इसके, और यहाँ पे ईच लोब हैविंग टूथिका। देखिए क्या बोल रहा है, ईच लोब हैविंग टूथिका। तो टोटल थीका 4 हो जाएगा, ठीक है। पर एक लोब में कितना थीका हुआ, एक लोब में 2, इसीलिए उसको डाई थीका बोलते हैं, क्योंकि एक लोब में 2 थीका होता है। पर टोटल थीका कितना हो जाएगा, 4। ध्यान रखिएगा, ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ये जो ग्रूव है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दोनों के दोनों थीका को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है। दोनों दोनों लोब को आपस में सेपरेट करता है, जो कि है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। द बाइलोबिक नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। देखते हैं इसको आगे, देखिए क्या का बात करना चाह रहा है। ये जो हमारा एंथर था, मैं भी बताया कैसे था हमारा एंथर, ऐसा, ठीक है, ऐसा था हमारा ये एंथर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये वाला जो पार्ट है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 स्पोरोमोरिंजिया और चौथा माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के है क्या, तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये असली में सेल्स का एक लेयर है, ठीक है। जैसे इस पूरे पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, तो ये कैसा दिखता है, देखिए ये चीज ऐसा दिखता है। इसको अगर डिटेल में बनाया जाए तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर एक लेयर ऐसे है, ठीक है, ऐसे। फिर एक लेयर ऐसे अलग अलग से, ऐसे अंदर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये एक माइक्रो स्पोरेंजिया है, या फिर इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। जब हम एक का बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट, ये क्या है, ये सेल्स का एक लेयर है, ठीक है। सेल्स का एक लेयर है, अलग अलग सेल्स का, अलग अलग टिश्यूज का एक लेयर, ठीक है। जो सबसे आखिरी वाला जो वॉल है, जो कि सबसे आखिरी वाला जो वॉल है, इसको क्या बोलेंगे, जो या फिर जो आखिरी वाला लेयर का सेल्स है, सेल्स जो सबसे आखिरी लेयर का है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते हैं एपिडर्मिस। हम सब जानते हैं एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो अंदर वाला लेयर है, एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम, ठीक है। अभी हमारा एंडोथीशियम हो गया, इसके अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर, क्योंकि थोड़ा मिडिल में जाता है, ठीक है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं। देखिए इसको, ये जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेपेटम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि हमारा जो पोलन है का जो एंथर है, एंथर का जो कट ट्रांसवर्स सेक्शन मारेंगे तो उसमें 4 कॉर्नर है, 4 है ना, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर, जो हमारा पोलन ग्रेन है, सॉरी एंथर है, उसके जो एक माइक्रो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है एक एक एंथर में, ठीक है। तो एक बाइलोब एंथर में, तो उसका जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो 4 लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया में, आखिरी वाला एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपेटम। तो जो हमारा टेपेटम है, ठीक है, ये टेपेटम हमारा कैसा है,
जो हमारा कैपिटल है यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल। पहले पहले एक चीज और देख लेते हैं, इसको इसको पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो अलग अलग सेल्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरो जीनस टिश्यू। यही आगे जाके पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होकर पीएमसी में आगे जाके, ठीक है, अभी ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इससे हमारा एंथर कैसा है हमको समझ आ जाएगा, ये आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें जो हमारा जो शुरू का जो तीन लेयर है, जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है इसका काम, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा टेपेटम है, जो कि हमारा इनर मोस्ट लेयर है, इसका काम अलग है। इसका काम क्या है, इसका काम है नरिशमेंट, ये हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टेपेटम जो है नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, टू दी डेवलपिंग पीएमसी, या फिर जो हमारा पोलन मदर सेल्स के बाद जो हमारा जो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है, और माइक्रोस्पोर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, टेपेटम। तो जो टेपेटम होता है, जो हमारा टेपेटम होता है, ये अपने आप में कैसा होता है, एक डेंस साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियाई, मतलब ये मल्टी न्यूक्लेटेड ग्रो जाता है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है बात को, कि जहां पे भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर मल्टी न्यूक्लेट होते हैं, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, हम मिलता है, ठीक है। तो ठीक वैसे जो हमारा टेपेटम है, टेपेटम भी हमारा डेंस साइटोप्लाज्म का है, क्योंकि वो नरिशमेंट रखा हुआ है। और जब हमारा जो स्पोरोजिना सेल्स है वो आगे जाके जब माइक्रोस्पोर बनेगा, यही वो सेल्स है जो आगे जाके पोलन बनेगा, पोलन, ये जो अंदर वाला सेल्स है ना, यही आगे जाके पोलन बनेगा। तो जब आगे जाके पोलन बनेगा तो उसको जब नरिशमेंट की जरूरत होगा, तो जो टेपेटम है, ये टेपेटम ही उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेगा। तो जो टेपेटम है वो अपने आप डेंस न्यूक्लियो वाला, डेंस साइटोप्लाज्म वाला है, और इसे मल्टी न्यूक्लेटेड है, न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई मतलब मल्टी न्यूक्लेटेड, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम आगे एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं साथ साथ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ध्यान रखिएगा सर्कुलर बोल रहा है सेप को, नियर सर्कुलर है ना, ज्यादातर तो सर्कुलर टाइप में दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर टाइप ही दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सर्कुलर है ऐसे, है ना, तो सर्कुलर टाइप ही है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर, फोर वॉल लेयर, कितने वॉल लेयर का है माइक्रोस्पोरेंजिया, चार, अभी भी पढ़ा हमने, कौन कौन से, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके अंदर माइक्रो मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपेटम, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। तो इट इज फोर लेयर एंड दी फोर लेयर, आउटर वन एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, देन टेपेटम। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ द अंदर, ये बताऊंगा अभी, एंड रिलीज ऑफ द पोलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे क्या है इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर क्या है, तो ध्यान रखिएगा टेपेटम, वही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, सेल्स ऑफ द टेपेटम पस ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporangium should occupy the center of each microsporangium. क्वेश्चन आएगा, मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर है, सेंटर, ये सेंटर, इसमें क्या है, सेंटर में कौन सा सेल है, ध्यान दीजिएगा, यही स्पोरोजिनस सेल्स है, ठीक है, यही हमारा स्पोरोजिनस सेल्स है। अब इसको याद रखने का कोई तरीका वरीका है क्या, हाँ तरीका है, ऐसा सोच लो एक बार, क्या तरीका है इसको याद रखने का, याद रखने का तरीका सिंपल है, पिज्जा, क्या है, पिज्जा, पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा का एक स्लाइस खाते हैं ना, क्या स्लाइस है पिज्जा का, कैसा उसका शेप क्या होता है, सिंपल सा शेप होता है ऐसे, है ना, ऐसे, तो समझ लो ऐसा ही है, एक लेयर, अब चार लेयर बनाना है, एक दो तीन चार, बन गया एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, बाकी बचा सेल है,
ठीक है, नियर सर्कुलर बोला ना, तो ऐसा सोच लो, याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं। ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारा एपिडर्मिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंडोथीशियम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिडिल लेयर है पिज्जा का। अलग अलग टॉपिकल डालते हैं ना हम लोग पिज्जा के ऊपर अलग अलग, यही है समझ लो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये हमारा टेपेटम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला है एनसीईआरटी, एक चीज और बोला है, क्या बोला है कि होमोलोगस, होमोजिनस है, होमोजिनस है, होमोजिनस मतलब क्या, एक जैसे, सिंपल, होमोजिनस, होमो जीनस, होमो मतलब एक जैसे, जीनस मतलब उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है सब एक जैसे, होमोजिनस, ठीक। वो एक चीज और बोला था, डिहेशन्स में हेल्प करते हैं, ये तीनों जो है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद एक चीज और करते हैं, वो है डिहेशन्स में हेल्प। वो क्या होता है, देखो क्या होता है, एक जैसे एक हमारा मान लो ऐसे है, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोस्पोरिंजियम है, मान लो अब पॉलन यहाँ पे बन चुका है, पॉलन पूरा डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो पॉलन डेवलप होगा, ठीक है, अब पॉलन डेवलप होने के बाद उसको काम क्या है पॉलन का, वो मेल गेमिटोफाइट है, उसके अंदर मेल गेमिट है पॉलन के अंदर, इसीलिए वो मेल गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट के अंदर मेल गेमिट होता है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि पिस्टिल है, उसको स्टिग्मा, सॉरी जो कि, हाँ सॉरी, हमारा पिस्टिल है, उसको रीच करना है ना, स्टिग्मा तक उसको पहुंचना है, तो वो क्या होगा, पहुंचने के लिए उसको यहाँ से खुलना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तो बाहर निकलने के लिए क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ से फटा चालू होगा, फटेगा कैसे, जैसे जैसे पोलन मैच्योर होगा, जैसे जैसे पोलन जो है मैच्योर होगा, ये जो है, जो इसके जो पार्ट है, जो ये सब पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होने लगेंगे, ये हमारे होने लगेंगे डिहाइड्रेट, मतलब सूखने लगेंगे, सूखने लगेंगे, जब सूखने लगेंगे धीरे धीरे तो मरने लगेंगे, और जब मरने लगेंगे तो साइड हटते जाएंगे यहाँ से, यहाँ से, और ये फट जाएगा, और जब फट जाएगा यहाँ से, तो जो मैच्योर पोलन के ना वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसी को हम डिहेशन्स बोलते हैं, ठीक है, ये आगे यहाँ फोटो में शायद होगा, ये डिहेशन्स हो रहा है, ठीक है, ये डिहाइड्रेट होकर यहाँ पे जो लेयर से अलग अलग लेयर सब देखो क्या, छोटे 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 लेयर हो गए, क्योंकि वो सूख चुका है, सूख चुका तो फट गया, फटा तो जितने पोलन ग्रेन थे सब बाहर आ गए, ठीक है, यही वो बोलना चाह रहा है डिहेशन्स। अब आगे देखते हैं कुछ और बोल रहा है क्या, एक सेकेंड यार, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या बोल रहा है, अब यहाँ से हमारा आ जाता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एज द एंथ्रा डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडर को मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, देखते हैं क्या बोल रहा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है क्या आखिर में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब जो माइक्रोस्पोर है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब कि एक तरह से ये समझ लो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा स्पोरोजिनस सेल्स था या टिश्यू से, जो टिश्यू मतलब एक सेल हो गया ना, तो जो हमारा स्पोरोजिनस सेल था उससे हमारा पॉलन ग्रेन कैसे बना, यही हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है, कैसे बना, बहुत सिंपल है, कोई इसका बहुत बड़ा, कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी स्टेप है, सिर्फ इसका नाम बड़ा है। देखियो क्या होता है, अभी हम लोगों को पढ़ा कि स्पोरोजिनस सेल होते हैं, ठीक है, क्या होता है स्पोरोजिनस सेल्स, टिश्यू होता है, हर जगह पढ़ोगे स्पोरोजिनस टिश्यू लिखेगा, लेकिन टिश्यू की सेल से मिलकर बना हुआ, ठीक है, तो जो हमारा एक स्पोरोजिनस सेल होता है, एक स्पोरोजिनस सेल उसका बात कर, एक स्पोरोजिनस जो सेल होता है वो डेवलप होता है,
या ट्रांसफॉर्म होता है। किस में ट्रांसफॉर्म होता है, किस में ट्रांसफॉर्म होता है, हमारा ट्रांसफॉर्म होता है पोलन मदर सेल। इसको कई की जगह माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। अगर पॉलिन मदर सेल बोल रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीएमसी, और अगर माइक्रोस्पोर बोल रहा है तो इसको बोलेंगे एमएमसी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्पोरोजिना सेल डेवलप हुआ पॉलिन मदर सेल में। अब जो पॉलिन मदर सेल था ये क्या हुआ, इसके अंदर हुआ, अगले पेज क्लिक करो उसको, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन और मियोसिस टू हुआ। जब मियोसिस वन और मियोसिस टू हुआ तो आगे जाके क्या हुआ, ये चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ, सिंपल है, चेंज हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है आखिर में पॉलिन ग्रेन बना। क्या इतना इजी था? नहीं, अभी थोड़ा सा और चीज और बचा हुआ है इसमें। ये मैं एक ऊपर ऊपर से बता दिया कि क्या हुआ, एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लो, है ना, कैसा था सिंपल। स्पोरोजिना सेल हुआ था वो डेवलप हुआ, जो कि था हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, है ना। चार माइक्रोस्पोरेंजियम थे, उसके सेंटर में स्पोरोजिना सेल्स भरे हुए थे। वो माइक्रोस्पोर वो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप हुए। वहां पे मियोसिस वन एंड मियोसिस टू हुआ, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर वो पोलन ग्रेन बन गया, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसा हुआ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले था हमारे पास यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स। इसका जो प्लॉइडी लिखेंगे क्या करा, तो वो 2 एम है। ये तो समझ आ रहा होगा सबको कि क्या है ये, ठीक है। जो लोग अभी तक जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो इसको पढ़ रहे हैं, तो 2N मतलब ये उसका जो इसका जेनेटिक बता रहा है कि इसका क्या जेनेटिक व्यवस्था है, ठीक है। ये आगे जाके समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी वो 2N है, स्पोरोजिनस सेल है ना, वो डिप्लॉइड है अभी, ठीक है। ये डेवलप हुआ अभी, यहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुआ, सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक तरह से लिख देते हैं। किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पोलन मदर सेल में और माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये हो गया हमारा एमएमसी, ये हो गया हमारा पीएमसी, ठीक है। इसका जो प्लॉयडी है वो भी 2N है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मियोसिस। मियोसिस तो पढ़े होगे यहाँ पे, सेल चैप्टर पढ़े होगे, मियोसिस वन हुआ यहाँ पे, ठीक है। मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन हुआ तो क्या हुआ, मान लो ये स्पोरोजिना सेल ऐसा दिखता था, पोलन मदर सेल आया वो थोड़ा डेवलप हुआ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन हुआ तो क्या हुआ, मियोसिस वन हुआ तो ये सेल डिवाइड हो गया ऐसे, ठीक है। अब जो इसका जो प्रोडक्ट था वो भी बदल गया। अब यहाँ से फिर एक चीज हुआ, अब वो ये हुआ कि फिर से मियोसिस हुआ, और अब हो गया मियोसिस टू। तो मियोसिस टू जो था, अब ये डिवाइड हो गया और ये ऐसे डिवाइड हो गया ऐसे। अब यहाँ पे बन गए 4 सेल। मतलब 4 सेल बन गए, तो इन चारों का जो हमारा जो जेनेटिक सिस्टम था वो था हमारा एन 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 एन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना मियोसिस वन और मियोसिस टू होने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, चार 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 हैप्लोइड सेल्स बन गए। अभी जो 4 हैप्लोइड सेल्स बन गए, इन 4 सेल से क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर निकलेंगे, मान लो माइक्रोस्पोर वन, माइक्रोस्पोर टू, माइक्रोस्पोर थ्री, और ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोर फोर। ईच वन का जो जेनेट जो ये हैप्लॉइड है, ईच वन का जो जेनेटिक सिस्टम है वो हमारा एन है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये है हमारा माइक्रोस्पोर जेनेसिस। मतलब कि एक पोलन मदर सेल से या फिर एक स्पोरोजिना सेल से
कितने माइक्रोस्पोर और पॉलन निकले, कितने माइक्रोस्पोर या पॉलन निकले, कितने माइक्रोस्पोर और पॉलन निकले, चार, ठीक है, एक स्पोर जिनसर से चार माइक्रोस्पोर निकले, चार चार पॉलन निकले, ध्यान रखिएगा, एक एक माइक्रोस्पोर मतलब एक पॉलन पॉलन मदर सेल या एक स्पोरोजिना सेल से कितने निकले, चार, मैसेज वन मैसेज टू के जरिए, ठीक है, ये है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इस बात को पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे वो चीज बोला बोला चाह रहा है। देखिए, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिना टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। द प्रोसेस, अभी ये किसका बात कर रहा है, ये स्पोरोजिनस का बात कर रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का बात नहीं कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू मियोसिस, ठीक है, थ्रू मियोसिस, ध्यान रखना, अच्छे से समझा दिया हूँ। दी माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्मेड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ फोर सेल दी माइक्रोस्पोर टेट्राड, कैसा दिखता है, ऐसा, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अस दी एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब डिहाइड्रेट हो रहा है एंथर जो है, टाइम के साथ डिहाइड्रेट हो रहा है, मैच्योर हो गया, दी माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जो हमारे माइक्रोस्पोर है वो चार जो बनाए हुए, अब ये चारों जो है, ये जो चार हैं, ये चारों एक दूसरे से अलग होंगे, और यही ऐसे ही चार अलग अलग, ये एक माइक्रोस्पोर वन, माइक्रोस्पोर टू, माइक्रोस्पोर थ्री, माइक्रोस्पोर चार, ये चारों अलग अलग पॉलिन ग्रेन बनाएंगे, चार अलग अलग पॉलिन ग्रेन, ठीक है। इनसाइड इट माइक्रोस्कोप स्पोरियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन आर फॉर्मेड, समझ आ रहा है, बोल रहा है ईच माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक अंतर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे, चार, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में कई हजार माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है। और जब कब रिलीज होंगे, वो जब डाइसेंस होगा एंथर का, कैसे डाइसेंस होगा मैं बता दिया हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने बताया कैसे कैसे डाइसेंस होगा यहाँ पे, ये डाइसेंस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब वो पोलन ग्रेन के बारे में बता रहा है, पोलन ग्रेन क्या होता है, तो इसको भी आगे देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन को हम बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज अ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट वो होता है जिसके अंदर मेल गैमेट होता है, गैमेटोफाइट वो चीज होता है जिसके अंदर गैमेट होता है, मेल गैमेटोफाइट मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट होगा, तो मेल गैमेट किसके अंदर होगा, सीधी सी बात है पॉलन ग्रेन के अंदर होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, पॉलन ग्रेन को, ठीक है, माइक्रोस्पोर से डेवलप हो गया पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, पहली बात इसका का साइज, इसका साइज क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका साइज जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, मतलब माइक्रोमीटर 10 to the power कितना -6, ये इसका साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका ये 25 से 50 क्या है, ये क्या किस चीज का साइज है, ये है डायमीटर का साइज है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिलेंडर होता है ना, तो उसका जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का उसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब पोलन ग्रेन हमारा दिखता कैसे है, तो पोलन ग्रेन हमारा कैसा दिखता है दिखा देता हूँ सॉरी, देखो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा पोलन ग्रेन देखिए कैसा दिख रहा है, ये स्पाइक निकला हुआ है किसी में, इससे भी स्पाइक निकला हुआ है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं ना, जब भी हम क्या एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, जब भी आप हिबिस्कस का पौधा को छुए के या फिर किसी भी
प्लांट के फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर को छूओगे तो आपके हाथ थोड़ा सा कुछ कुछ कलर का लग जाता है, उसको ध्यान से देखोगे ना कुछ पाउडर टाइप का लगा होता है, वही हमारा पोलन ग्रेन है। पोलन बहुत छोटा साइज है ना, 25 से 50 माइक्रोमीटर, इतना छोटा। ठीक है, वो हमारा जो पोलन ग्रेन है उसका शेप क्या होता है, तो शेप में दिखाया, अलग अलग शेप इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो हमारा स्टेमन था, स्टेमन का नंबर और स्टेमन का जो फिलामेंट का जो साइज है, लेंथ है, वो हमारा स्पेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ठीक वैसे पोलन ग्रेन का जो शेप साइज है, जो कलर है, ये स्पेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना रखे कर बात को। अब इसका शेप के बारे में बात करते हैं, तो जनरली सर्कुलर शेप का होता है, जनरली सर्कुलर शेप का होता है, जनरली सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, अब इसके दो वॉल होते हैं। पोलन ग्रेन कैसा दिख रहा है, मान लीजिए ऐसे, एक ये पोलन ग्रेन है, मान लीजिए पोलन ग्रेन ऐसे। अभी ये क्या है मैं समझाऊंगा, है ना, आपने के लिए ऐसे, ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक मिनट ना, पहले मैं बना लेता हूँ। ये है हमारा पोलन ग्रेन। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, कलर ठीक नहीं है। ये है हमारा आउटर वॉल, ये फिर इसको बोलेंगे एक्साइल। आउटर है, एक्स मतलब आउट, है ना, एक्साइल मतलब आउटर। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारा हो गया इन टाइम, तो सॉरी इनर वॉल। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सेल है, ये कौन सेल है, इस बारे में पढ़ेंगे अभी। पहले हम वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, वॉल के बारे में, आउटर वॉल, इनर वॉल, प्लाज्मा के बारे में। देखिए ध्यान से, ठीक है, पहला होता है हमारा एक्साइल। पोलन में कितने वॉल होते हैं, दो लेयर के वॉल होते हैं, एक्साइल और इंटाइल, आउटर वॉल, इनर वॉल। अब जो हमारा एक्साइल होता है, इंटरेस्टिंगली, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ये पहले चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुनित रहिएगा। ये हमारा आउटर वॉल। अब आउटर वॉल है तो ये हमारा हार्ड है, हार्ड नेचर का है, ये हमारा हार्ड नेचर का है, आउटर वॉल है। तीसरा चीज क्या है, ये जो है हमारा नॉट कंटिन्यूअस, ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये जो वॉल है हमारा, ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए बीच बीच में गैप है, इसमें जो आउटर वॉल है इसमें बीच बीच में गैप है, ये गैप क्यों है अभी समझ आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है कंटिन्यूअस नहीं है। चौथा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज, जो हमारा एक्साइन है, इट इज मेड अप ऑफ वॉट, स्पोरो पॉलिडिन। ठीक है, जो हमारा आउटर लेयर ऑफ वॉल है एक्साइल, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन मटेरियल से। क्या नाम है इसका, स्पोरोपोलिनिन। अब जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। क्यों इंपॉर्टेंट मटेरियल क्यों है, जिससे इसका आउटर मटेरियल बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इट इज द मोस्ट टफेस्ट, मोस्ट टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो सबसे मोस्ट टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक जो हम जानते हैं, उसमें से एक स्पोरोपोलिनिन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नो एंजाइम, नो हार्मोन, इवन इवन हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई एसिड, हाईली एल्केलाइन, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं जान पाते हमको अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा पता नहीं चला है साइंटिस्ट को, जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। कोई भी हार्मोन से डिग्रेड नहीं होगा, कोई भी हायर टेम्परेचर से, कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो उसको, ये डिग्रेड नहीं होता है, ये हायर टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर जाता है, इतना हायर, इतना टफेस्ट है ये, इतना रिजिड है।
ये हाईली एसिडिक जो मीडियम होता है, मतलब एसिड के अंदर डाल दो तो भी इसको पोलिन डिग्रेड नहीं होगा, और हाईली अल्कलिन मीडियम में डाल दो उसका उल्टा, अगर हाईली अल्कलिन कर दोगे इसको, बेस डाल दोगे हाईली बेसिक, तब भी डिग्रेड नहीं होगा। इतना टफेस्ट मटेरियल है स्पोरोपोलिन जो है, कोई एंजाइम नो एंजाइम डिग्रेडेशन, ध्यान रखिएगा ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं सारा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, नो हार्मोन कैन, इट रिएक्शन विद द हायर टेंपरेचर, इट इज इवन रिएक्शन विद द हाईली एसिडिक मीडियम, इट इज ऑल्सो रिएक्शन विद द हाईली एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन बहुत ज्यादा रिएक्शन मटेरियल है, तो इस कारण जो इसका जो आउटर लेयर है स्पोरोपोलिन का, सॉरी पोलिन का, वो स्पोरोपोलिन से बना है। और क्योंकि स्पोरोपोलिन है इसके में, इसलिए ये हमारा बेटर फॉसिल फॉसिलाइज्ड, मतलब कि जो हमारे फॉसिल्स मिलता है ना पोलन का, हमको फॉसिल्स मिलता है, फॉसिल्स मतलब समझ रहे ना, तो बहुत पहले जो जो सेल्स से वो दब गए हैं किसी जगह, मर गए, तो हमको हमके क्या बोलते हैं, अवशेष निकालते हैं ना, फॉसिल्स निकालते हैं, तो जो हमारा पोलन ना, हमारा पोलन का फॉसिल्स अच्छे से निकलता है इसीलिए। क्यों? क्योंकि उसके जो उसका जो आउटर लेयर है एक्साइन, एक्साइन जो है स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, जिसको कोई एंजाइम, कोई हार्मोन, टेम्परेचर, एसिड, एल्कलाइन कोई डिग्रेड नहीं कर पाता, इसीलिए हमारा जो पोलन है उसका फॉसिल बढ़िया से निकलता है, अच्छे फॉर्म में निकलता है, क्योंकि वो डिग्रेड हुआ ही नहीं है इसके स्पोरोपोलिन के कारण, है ना, तो इसलिए बेटर फॉसिलाइज्ड है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पोरोपोलिन इसमें और क्यों पॉइंट बचा गया ना, इसमें एक तो पॉइंट और बच गया, कैसे? हाँ, वो ये है, ये जो है ये नॉट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस लाइनिंग नहीं है इसमें, और क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस लाइनिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जहां पे वो नहीं है, जहां पे वो नहीं है वहां पे खाली जगह है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे जाके समझ जाएगा, जर्म पोर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि तो इतना रिजिड मटेरियल है, मान लो सेल को किसी चीज की जरूरत पड़ गया तो वो बाहर कैसे आएगा, मतलब जब हम पढ़ते हैं पोलन ट्यूब, तो आगे जाके पढ़ेंगे आप कि पोलन ट्यूब बनता है, वो पोलन ट्यूब इन्हीं जंप पोर से बाहर आता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन को तो छेद नहीं सकता, तो कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पे स्पोरोपोलिन ना हो, जिससे पोलन ट्यूब बाहर आए रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो वो इसी जंप पोर से बाहर आता है। ठीक है, तो इस बात को खैर अभी इतना ध्यान लीजिए कि जंप पोर होता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन कंटिन्यू स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आउटर वॉल का बात, अब इसके बाद होता है हमारा इनर, इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, इनर वॉल को हम बोलते हैं इन टाइम, क्या बोलते हैं इन टाइम, ये क्या होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है उसके मुकाबले, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इवन ये हमारा कंटिन्यूअस वॉल होता है, इसमें कोई से जंप पोर देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद ये हमारा किससे बना होता है, ये हमारा बना होता है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से, ये हमारा सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस बात का हमारा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताना भूल गया, वो ये है कि जो हमारा एक्साइन है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब कि कोई इन टाइम ऐसे 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 करके पॉलीगन बनाएगा, कोई सीधा बना देगा, कोई अलग अलग ऐसे बनाएगा, तो ये भी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो आउटर लेयर है एक्साइन का वो देखने को मिलता है, उस हिसाब से अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर के पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे इनर वॉल का जो इनर, इनर का तो इनर है, सॉफ्ट है, कंटिन्यूअस है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से मिलकर बना हुआ है, इसके बाद कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा हो गया सबसे तो आउटर लेयर ऐसे एक्साइन, फिर इन टाइम, उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल्स, सेल को जो साइटोप्लाज्म है पोलन का उसको घेरा हुआ है, तो उसको कोई ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा जो आउटर सेलुलर लेयर है पोलन ग्रेन का उसके बारे में। ठीक है, अब इसके आगे का ध्यान देते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन का सेल्स के बारे में क्या है। ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन में हमारा क्या होता है, पोलन ग्रेन में हमारा दो सेल्स होते हैं। देखो मैं अभी दिखाया ना, पोलन ग्रेन हमारा ऐसे होता है, तो एक ये होता है ऐसे, एक निकले यहाँ पे, एक निकले यहाँ पे ऐसे, ये हमारा पोलन ग्रेन है। तो हमारा जो पोलन ग्रेन होता है वो बाई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो सेल होते हैं उसके अंदर, पहले एक सेल होता है पोलन ग्रेन में। ठीक है, देखिए पहले पोलन ग्रेन हमारा ऐसा होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें, एक वैक्यूल होता है छोटा सा, थोड़ा सा स्पिंडल होता है,
धीरे 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 जब ये डेवलप करता है तो ये जो है कैसे डेवलप करता है, ये हमारा ऐसे डेवलप कर जाता है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। इसमें एक ये सेल होता है छोटा वाला, एक बड़ा वाला सेल होता है। बड़ा वाला जो सेल है ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, और ये वाला जो हमारा जो सेल है छोटा वाला ये हमारा है जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या है दोनों के फायर स्ट्रक्चर और ऐसा हुआ भी क्यों। ठीक है, वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल। देखिए, जो वेजिटेटिव सेल होता है ये हमारा पहली बात ये है, ये बिगर वन। जो बड़ा वाला होता है वो जो हमारा बड़ा वाला होता है वो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है। ठीक है, ये साइज देखिए इससे कहीं बड़ा है, देखिए इससे बड़ा है साइज में, बड़ा साइज है उसका, किसका, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है उसका साइज कहीं बड़ा होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका कुछ काम होगा, वो काम क्या है, एविडेंट इन रिजर्व फूड। ये अपने पास बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है इसलिए ये साइज में बड़ा है, कौन, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, फिगर वन हैव एविडेंट रिजर्व फूड इन हिम, प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक इसका और है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या है, वेजिटेटिव जो हमारे सेल्स है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये बिगर वन है, इनका साइज बिगर है। उसके बाद ये एविडेंट इन रिजर्व फूड है, इनके पास रिजर्व फूड बहुत सारे होते हैं। इसका कारण क्या है, कारण इसका ये है कि जब आगे जाके जब डेवलपमेंट होना है, मतलब आगे जाके जब पोलन ट्यूब बनेगा ये सब बनेगा है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो जो फूड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो यही जो स्टोर करके रखा हुआ है ना वेजिटेटिव सेल वहीं से मिलेगा। और तीसरा ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस है इसके पास। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद हमारा आता है जेनरेटिव सेल। अब जेनरेटिव सेल के साथ क्या दिक्कत है, सॉरी क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर है जेनरेटिव सेल की, जेनरेटिव सेल के सिंपल फीचर तो यही है, ये स्मॉल है, वेजिटेटिव सेल्स के साइज के कंपेरिजन पे इसका जो शेप है वो कम है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, किसका, हमारा जेनरेटिव सेल का, वो ये है कि ये फ्लोट करता है, तैरता है, फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल। ठीक है, फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल, ये क्या करता है, ये जो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है उसमें तैरता रहता है, अभी जरूर यहाँ पे कल वहां पे होगा, कल यहाँ पे होगा, ऐसे करके ये तैरता रहता है। ठीक है, तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, जेनरेटिव सेल का। ध्यान रखिएगा ये एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक एक और है, वो है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस इसका होता है। इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या रहता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा ना, ये दोनों कुल मिला के एक ही सेल, अंदर में एक पॉलन ग्रेन के अंदर का ही बात हो रहा है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर ही जेनरेटिव सेल है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है उसका। ठीक, उसके बाद क्या है, उसका इसका एक करेक्टरिस्टिक और ये है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए है क्योंकि उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है इसलिए वो डेंस है। ठीक है, इसके अंदर फूड भरा हुआ है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है इसलिए वो डेंस साइटोप्लाज्म। तो जेनेटिव सेल्स का फीचर क्या है, स्मॉल फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे जाकर अब इसके आगे देखते हैं, तो ये तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हमारा जेनेटिव सेल हो गया, वेजिटेटिव सेल ये हो गया। अब एक पॉइंट ये है, और वो पॉइंट ये है कि जो हमारे जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म, उसमें हमारे यही वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब कि टू सेल्ड स्ट्रक्चर है ना, टू सेल्ड स्ट्रक्चर, उस पे हमारे टू सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में, मतलब कि एक जेनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। बाकी जो हमारे रेस्ट 40% है उसमें क्या होता है, उसमें थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा,
मतलब कि जो हमारा जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड हो गया, जनरेटिव सेल वो हमारा फर्दर डिवाइड हो गया माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, मतलब कि अब हमारा थ्री लेयर सेल हो गया। थ्री लेयर सेल मतलब सॉरी थ्री थ्री सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि पहला तो हमारा वेजिटेटिव सेल एक प्लस हमारा दो जनरेटिव सेल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, वो आगे जाके वो उसका मैं बताऊंगा कारण, वो आगे जाके समझ जाएगा, अभी समझा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। जब हमारा हम रिप्रोडक्शन जब हमारा फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना तब वो आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दो चीज़ होता है, पहला वेजिटेटिव सेल होता है और अगर 40% केसेस में, और जेनेटिव सेल डिवाइड होके माइटोटिकली माइटोसिस होता है, मियोस नहीं माइटोसिस, माइटोसिस होके दो जेनेटिव सेल बना लेता है। बाकी 60% केस में टू लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन के बारे में सब कुछ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ना है, एग्जाम में भी इतना सही आएगा, ठीक है। एक बार एनसीटी देख लेते हैं, इसमें सब जितना सब बताया हो ना वो सब इसमें भी है। देखिए, एक साइन एक्सिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, बताया था कि स्पीशीज के साथ डिपेंड करता है, उससे हम जान सकते हैं कौन सा स्पीशीज का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंटाइन है, इनर है, वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, इसको ध्यान रखिएगा, बता दिया हूँ। जेनरेटिव सेल है ना 60% में टू सेल स्ट्रक्चर होगा, बाकी सब में थ्री सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा डिवाइड होगा, जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली क्योंकि ब्रश टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन, बता दिया हूँ सब चीज, ठीक है। अब हमारा जो पोलन ग्रेन के साथ एक चीज आएगा वो है ये कि हमारा जो पोलन ग्रेन है उसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, वो है हमारा पोलन एलर्जी, ठीक है। पोलन ग्रेन का मैं साइज बताया था, साइज क्या है इसका 25 to 50 माइक्रोग्राम, मैं सॉरी माइक्रोमीटर, सॉरी सॉरी माइक्रोमीटर इन डायमीटर है इसका, मतलब कि वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है ना। अब मान लीजिए, ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये क्या है, ये हमारा नाक है, मान लीजिए है ना, ये हमारा नाक है। मान लीजिए अब जो पोलन ग्रेन है छोटा 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 छोटा, देखिए सोचिए कितना छोटा होगा है ना, कितना छोटा, अगर ये हमारा अंदर चला गया, अगर ये हमारा अंदर चला गया हमारे नेसल के थ्रू, और नेसल के थ्रू ये हमारे फिर धीरे से उधर से अंदर से घुसता हुआ जो हमारा जो जो हमारा लंग्स है वहां पहुंच गया, तो क्या हुआ? अगर ये हमारा सब पहुंच गया तो सीधी बात है एलर्जी होगा, हमको छींकी आएंगी, इससे तबीयत भी खराब रहता है बहुत ज्यादा है ना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसे सीवर एलर्जिक डिसीज हो जाते हैं इससे, हमारे पोलन एलर्जी से। पोलन एलर्जी इसको बोलते हैं पोलन एलर्जी, कि अलग अलग स्पीशीज से होता है। एक स्पीशीज ऐसा है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, वो है हमारा पार्थेनियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे PYQ इसमें देखोगे आप, पार्थेनियम और कैरोट ग्रास, पार्थेनियम और कैरोटोग्रास, इससे क्या होता है, इससे होता है हमारा पोलन एलर्जी, ठीक है। ये इससे पोलन एलर्जी मतलब कि क्या होगा, बताया कि मान लो छोटा छोटा पोलन है अगर अंदर चला गया तो इससे हमारे सीवर जो हमारे लंग डिसीज है या फिर सीवर एलर्जिक डिसीज है वो हो जाता है, जैसे कि हमारा ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या फिर हमारा एस्मा हो गया, इसको हम हिंदी में अस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में एस्मा बोलते हैं, तो एस्मा या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया है ना, ये इससे हो जाता है। अब इस पार्थेनियम कैरेट ग्रास के बारे में एक चीज और एनसीईआरटी मेंशन है, वो ये है कि ये हमारे कंटेमिनेशन से आ गया, मतलब गलती से भारत इंडिया आ गया था, जो हमारा व्हीट, जो हम व्हीट का एक वैरायटी ला रहे थे इंडिया में, तो उसके थ्रू जो है ये कैरेट ग्रास या पार्थेनियम इंडिया में आ गया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है ना। इट विल बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज ए कंटेमिनेंट विथ इम्पोर्टेड व्हीट, जो हम व्हीट इम्पोर्ट, व्हीट मतलब पता है ना गेहूं, हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसके साथ मिलकर गलती से आ गया, और ये पोलन एलर्जी कॉज करता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एज्मा, ध्यान रखिएगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये हमारा पोलन का जो डेवलपमेंट है, बताया पहले एक सेल था, फिर देखिए धीरे से वैक्यूल न्यूक्लियस बन गया, धीरे से फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया, फिर धीरे से हमारा ये बन गया, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, ये इसका डेवलपमेंट है। फिर तो बता दिया हूँ मैं है ना, याद होगा मेरे हिसाब से। पोलन ग्रेन, एक चीज और ये भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा लास्ट पार्ट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन पर, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो
हमेशा ध्यान रखेगा कि उसका जो आखिरी वाला पार्ट होता है ना, वो आखिरी वाला पार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो हमारा जो केमिस्ट्री ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो हमारा आखिरी वाला जो पार्ट आ जाता है पॉलीमर्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं रिसेंटली। ऐसा होता है, हमेशा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर किसी का आदत है जो शुरू में बहुत ध्यान से पढ़ता है, आखिर आखिर आता है तो उसका जो फोकस है वो कम हो जाता है। तो जो पीछे जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट कठिन पार्ट नहीं होता है, फैक्चुअल पार्ट होता है, कुछ कुछ फैक्ट होता है उसमें, उस फैक्ट से ही क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को कि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमारा पार्थेनियम कैरेटोग्राफ होता है, इस पर आपको मल्टीपल पी वाई क्यू दिखेगा। जैसे कि क्या हो गया, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट्स बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टेबलेट्स एज फूड्स सप्लीमेंट्स। पूछेगा पोलन ग्रेन क्या न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है? हाँ होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स सीरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स, ठीक है। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इन रेस हॉर्सेस, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे हमारा इंक्रीज स्टेमिना या एथलीट्स के रेस को सॉरी एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और ये ऐसा सप्लीमेंट्स ऐसा फूड यूज कर रहे हैं और टेबलेट सीरप ऐसे वेस्टर्न मार्केट्स में मिल रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन के बारे में और भी कुछ बात है, वो ये है इसके वाइबिलिटी के बारे में। वाइबिलिटी वाइबिलिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, लास्ट लास्ट पार्ट है, वो ये है कि पोलन वाइबिलिटी, ये वाइबिलिटी क्या है, मतलब कि पोलन मान लो एक बार वहां से निकल गया, जो माइक्रोस्पोरियम था उसका डिस्टेंस हुआ, पोलन एक बार निकल गया। अब पोलन जब निकल गया तो जरूरी नहीं है कि ये तुरंत ही स्टिग्मा में पहुंच जाए, है ना। तो ये बात है कि जो पोलन ग्रेन है हमारा, वो हमारा कितने समय तक वायबल है, कि वायबल मतलब कितने समय तक हमारा वो, एक तरह से हम बोले तो हम वो एक्टिव है, या कितने सही तक वो खराब नहीं हुआ, एक तरह से सब एक तरह से वो सही है, वो अपना काम कर सकता है, वो एक्टिव है, कितने समय तक उसका वायबिलिटी कितना टाइम का पीरियड का टाइम क्या है। तो जो वायबिलिटी है ना पोलन का, ये अलग अलग चीज, ये अलग अलग चीज पर डिपेंड करता है। पहला चीज तो ये स्पीसीज पर डिपेंड करता है, ये किस स्पीशीज का है, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग वायबिलिटी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो हमारे कुछ जैसे वीट, कुछ सीरियल्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा वीट हो गया, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा और भी कुछ हो गया, जैसे कि कहाँ गया सीरियल सच एज राइस वीट, है ना, जैसे वीट हो गया राइस हो गया, इसमें हमारा जो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी है वो कितना कितना दिया होता है, वो दिया होता है 30 मिनट तक। वहीं कई कई स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे कि रोसेसिए, लेग्यूमिनोसे, है ना, इन लोग का जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो वायबिलिटी होता है वो होता है फॉर मंथ्स, मतलब अगर वो मंथ तक स्टिग्मा में नहीं गए हैं तब भी, उसके बाद अगर वो 1 महीने के बाद अगर वो स्टिग्मा में जाएंगे तब भी वो जर्मिनेट कर से कर सकते हैं, वो जर्मिनेट करने का दम रखते हैं। तो ये उसका वाइबिलिटी हो गया, जो कि डिपेंड किया स्पीशीज पे। स्पीशीज के बाद क्या वाइबिलिटी और किसी चीज पर डिपेंड करता है, तो हाँ ये डिपेंड करता है, वाइबिलिटी जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बाद ये और किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और कहाँ पर डिपेंड करता है, और स्पीशीज पर डिपेंड करता है पोलन का वायबिलिटी, ठीक है। तो इस बात यही बात को यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब एक चीज और यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ठंडे जगह में चीजों को जमा देना जिससे वो वायबल रहे और हम उसको बाद में यूज कर सके। जैसे कि कितना कितना टेम्परेचर, -190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में माइनस, ये कैसे अचीव होगा, ये अचीव होगा लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू। लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो सारे देखे ना, धुआं निकलता रहता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, -196 डिग्री सेल्सियस। हम इतने 96 इतने 190 -196 डिग्री सेल्सियस में अगर हम पोलन ग्रेन को जमा दें तो हम उसको बहुत समय बाद निकाले, 1 साल 2 साल बाद, तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व हो गया है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडे जगह में प्रिजर्व कर देना। ऐसे हमारे पोलन बैंक्स होते हैं, ऐसे जो हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पोलन बैंक्स बोलते हैं। ऐसे ही स्पर्म बैंक्स होते हैं, जबकि हम जो हमारा मान लो कोई कपल फर्टिलाइज स्टराइल हो गया है ना, वो रिप्रोडक्शन के करने के
मतलब कैपेबल नहीं है, तो जो हम स्पर्म बैंक होते हैं वहां से हम स्पर्म को यूज कर सकते हैं। तो हम उसको भी क्रायो प्रिजर्व करके रखे होते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में, जो कि हमारा अचीव होता है लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पढ़ा जाता है जो कि हमारा पिस्टन है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें कवर की, जब हम फ्लावर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गेमेटोफाइट, फिर हमारा पोलन का डेवलपमेंट है ना, पोलन का स्ट्रक्चर, पोलन का वायबिलिटी, पोलन का शेप, हम इस सब चीज के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, तो इस बात को, इस वीडियो को भी मैं शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ने के बाद इसको रिविजन जरूर करना, वरना समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही हो रहा है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके बाद इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग आगे मिल सके, है ना, आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से शेयर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी जरूर करना, और जो हमारा जो पीडीएफ है, ये सब जो एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है मेरा बनाया हुआ, पीपीटी है, या फिर मेरा जो लिखा हुआ जो पीपीटी है, इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में और दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और बायो में, तो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इसको एक बार रिविजन कर लेना पीडीएफ से। ठीक है, ना भूल जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।